आज हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की थ्योरी पढ़ रहे हैं और उस थ्योरी के अंतर्गत ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर क्या है, हर जगह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने हो, सीपीसीटी का एग्जाम दे रहे हो, डीसीए का एग्जाम दे रहे हो, पीजीडीसीए का एग्जाम दे रहे हो, सभी जगह ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आज इस पूरे टॉपिक को हम बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहला देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यहां पर इमेज दिखाई दे जा रही है, साधारण इसके बारे में हम बता देते हैं। जो भी कंप्यूटर में आप प्रोग्राम्स इस्तेमाल करते हो, जैसे वर्ड का इस्तेमाल करते हो, एक्सेल का इस्तेमाल करते हो, पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। वेब ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो सॉफ्टवेयर की परिभाषा क्या होगी, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जिसको हम केवल देख सकते हैं, ठीक है, उस पर कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का निर्माण कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे यदि आपको गाने सुनना है तो आप मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे, आपको वीडियो मिक्सिंग करना है तो आप वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, आपको इंटरनेट चलाना है तो आप ब्राउजर का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत से ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल आप कंप्यूटर में करते हैं और उसी का उपयोग करने के कारण आप कंप्यूटर में किसी भी कार्य को पूरा कर पाते हैं। कंप्यूटर विभिन्न प्रकार प्रोग्रामों का समूह होता है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्यों को किया जा सकता है। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, पहला हार्डवेयर कहलाता है जबकि दूसरा सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, इसके विपरीत सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर के बारे में हमने जाना जिसको हम टच कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड इनपुट, आपका माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हार्डवेयर कहलाते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, इसके विपरीत सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का समूह होता है जो इन हार्डवेयर के कार्यों को निर्धारित करता है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रेजेंटेशन एटसेट्रा, ये सब क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या है, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता क्या है। सॉफ्टवेयर की आवश्यकता के निम्न कारण हो सकते हैं, कंप्यूटर चालू करने के लिए, यदि आपके पास केवल कंप्यूटर हार्डवेयर के रूप में है, पूरा एक बॉक्स है, और यदि आप चाहते हैं उसको इस्तेमाल करना, चलाना, तो उसके लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इंस्टॉल होना जरूरी। जब नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना पड़ता है, तब आप उसे ऑपरेट कर पाते हैं। तब आपके सामने सबसे पहले स्क्रीन पर डेस्कटॉप आता है और आप माउस पॉइंटर ले जाकर के किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर पाते हैं। तो यहां पर सबसे पहला है कंप्यूटर को चालू करने के लिए, पत्र टाइप करने के लिए, लेटर बनाना है, रिज्यूम बनाना है, नोटिस बनाना है, एप्लीकेशन लेटर बनाना है, सभी के लिए आपको जो है किसी ना किसी प्रकार के सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप लेटर टाइप कर सकते हैं जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। अगला है चार्ट का निर्माण करने के लिए, आपको किसी डेटा को, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको किसी डेटा को प्रेजेंट करना है ग्राफ के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में, ताकि उस डेटा को आसानी से समझा जा सके। चार्ट क्या कहलाता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो चार्ट का निर्माण करने के लिए हम एक प्रकार के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है एक्सेल, जो भी एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है। यह भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें स्प्रेडशीट होती है, जिसके अंतर्गत हम चार्ट बना सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, डेटा को भी हम इसमें लिस्ट के रूप में बना सकते हैं। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, अब हमें कंप्यूटर में मान लीजिए पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो उसके लिए भी हमको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना होगा। तो यदि हम ये सारे कार्य करना चाहते हैं तो हमें कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनेज करने के लिए एमएस ऑफिस के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है एमएस एक्सेस, जिसका नाम है एमएस एक्सेस, जो कि एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, जो कि जिसका इस्तेमाल डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है, इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए। जी हाँ, यदि आप इंटरनेट का प्रयोग करना चाहते हैं तो वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। तो ये सारे कार्यों को करने के लिए यदि आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये सारे कार्य आसानी से नहीं कर पाएंगे, इसलिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता हमारे कंप्यूटर में होती है। इसके बाद देखते हैं